अभी बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं जहाँ वो बताते हैं कि मैम हमारा बच्चा 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, वो चल नहीं रहा है, चलता भी है तो बहुत धीरे धीरे चलता है, दौड़ता नहीं है, स्पीड नहीं है, या फिर वो चल नहीं रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, कुछ तो हमारी गलती की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पहले क्या था ना, बच्चे फ्लोर पे ज़्यादा देर खेलते थे, गार्डन में दौड़ते थे, भागते थे, और बहुत ज़्यादा उस वक्त पेरेंट्स एकदम से परेशान नहीं रहते थे कि अरे मिट्टी लग गया, अरे ये कपड़ा गंदा हो गया, अरे ये बच्चे को ठंड लग जाएगी, इतना ज़्यादा नहीं करना है। बच्चे को अगर चलना सिखाना है तो बहुत ज़रूरी है कि उनको स्पेस दीजिए, फ्लोर टाइम दीजिए। फ्लोर टाइम कहने का मतलब हुआ कि बच्चे को 24 घंटा बेड पे ना डाले, बच्चे को नीचे फ्लोर पे खेलने दे, आप फ्लोर साफ रखे, बच्चे को फ्लोर पे खेलने दे, आप बच्चे को चीज़ों को पकड़ पकड़ के चलने दे, बच्चे को गार्डन में ले जाए, पार्क में ले जाए, वहाँ उनको आप मिट्टी पे रोल करने दें, खुद से चीज़ों को पकड़ के चलने दें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और खुली जगह में क्या होता है ना, बच्चे स्पीड में चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, दूसरे बच्चे को देख के भी वो भागते हैं। अगर आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ बेड पे रखेंगे कि नहीं गंदा लग जाएगा बच्चे के कपड़े में, बच्चा कुछ अनहाइजीनिक चीज़ छू लेगा, एकदम बचा के रखेंगे, तो फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर तो उसके चलने में डिले होना ही होना है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि बच्चा हमारा दौड़े, भागे, चले, इसके लिए उनको स्पेस दीजिए, उनको वो चीज़ के लिए इनक्रेज कीजिए। बहुत ज़रूरी है बच्चे को फ्लोर टाइम दीजिए। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि बहुत अर्ली बच्चों को शूज़ ना पहनाएं, बच्चों को नंगे पाँव चलने दे। बच्चे जब नंगे पाँव चलेंगे ना, तो फ्लोर पे बैलेंस बना पाएंगे और वो चलना सीखेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चे को आप फ्लोर टाइम दें।